नमस्कार, न्यूज सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी आप सबके सामने हाजिर हूं आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों से रूबरू करवाने के लिए। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला है ये भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएंगी। तो आइए डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर शिमला से शोघी के बीच आज से पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा। ट्रायल के लिए कालका पहुंची आरडीएसओ लखनऊ की टीम ने रविवार को पूर्व निर्धारित शेड्यूल के तहत कालका रेलवे स्टेशन पर रैक प्लेसमेंट के बाद ट्रायल उपकरणों को शिफ्ट करने का काम पूरा किया। देश की कठिनतम यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्रा पर जाने वाले इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल्लू जिला प्रशासन की देखरेख में श्रीखंड यात्रा ट्रस्ट की ओर से 7 से 20 जुलाई तक ये यात्रा जो है वो करवाई जाएगी। हिमाचल में इस साल गर्मियों में आए पर्यटकों ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी से 31 मई तक प्रदेश में रिकॉर्ड 75 लाख टूरिस्ट हिमाचल घूमने पहुंचे। वर्ष 2019 के बाद अब तक का ये रिकॉर्ड आंकड़ा जो है वो दर्ज किया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर को जोड़ने वाला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे 5 ट्यो के पास वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से ठप हो गया। बिजली बोर्ड दफ्तर के समीप सड़क का लगभग 12 मीटर हिस्सा धंस गया है। इससे किन्नौर जिला सहित अपर शिमला का राजधानी से संपर्क कट गया है। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला प्रसिद्ध जाखू मंदिर तक का सफर अब सुविधाजनक होने वाला है। मंदिर आने वाले बुजुर्ग व विकलांग भक्त बिना किसी परेशानी के हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। शिमला स्मार्ट सिटी के तहत मंदिर में एस्केलेटर लगाया जा रहा है। करीब 7.33 करोड़ की लागत से मंदिर के मुख्य गेट से मंदिर परिसर तक एस्केलेटर की मदद से सीधे मंदिर परिसर पहुंच सकेंगे। चंबा मामले को लेकर भाजपा अपनी सियासी जमीन तलाशने का प्रयास कर रही है। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। उन्होंने कहा कि चंबा में युवक की हत्या मामले में पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस प्रशासन इस मामले में कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहा है। इसके बावजूद भाजपा की राजनीति समझ से परे है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को यानी कि आज राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी। बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बजट घोषणाओं से संबंधित फैसले होंगे। एसएमसी शिक्षकों का मानदेय 2000 रुपये मासिक बढ़ाने की भी बजट घोषणा हुई थी। इस पर भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को फिर से भारी बहुमत मिलेगा। देश की जनता फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका देगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता भी इसमें सहयोग करने को तैयार है। प्रदेश का हर वर्ग दोबारा से केंद्र की मोदी सरकार बनाने में सहायता करेगा। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को मौसम के खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे पहले रविवार को जिला कांगड़ा, बिलासपुर और हमीरपुर के इलाकों में बारिश हुई। इसके शिमला के ग्रामीण क्षेत्र ऊना और सिरमौर के हरिपुर धार में भी बारिश हुई है। देवभूमि के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश के धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन की इसमें अपार संभावनाएं हैं। पहाड़, झीलें, नदियां और मनभावन वादियां प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य को विश्व भर में अलग पहचान दिलाती हैं। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रमुख मंदिरों को ई कनेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है, जिससे भक्तों को घर बैठे ही दर्शनों की सुविधा सुनिश्चित होगी। तो ये थी आज की तमाम खास खबरें और बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा।
उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।